क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आरएस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 2C कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, अ सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली If the interest for two successive years be ₹5,700 and ₹7,410, calculate the rate of interest. चूंकि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो ये हो जाएगा 5,700। कितने रुपए प्रिंसिपल हो गए और जो अमाउंट है इस टाइम अमाउंट आपका कितना हो गया 7,410। इंटरेस्ट जो निकालना है वो आएगा आपका ए माइनस पी। अब ए हो गया 7,410, इसमें से 5,700 माइनस करना है। जरा माइनस कर लेते हैं, कितना बचता है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ 14 माइनस 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 रह गया, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो दैट इज द इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हो गया है, प्रिंसिपल मिल गया है, टाइम 1 पीरियड हो गया है, इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल हो गया और टाइम पीरियड मुझे क्या लेना है, 1 ईयर लेना है। तो 1 ईयर ले लेते हैं। फॉर्मूला जो होता है हमारे पास इंटरेस्ट का, I इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो अब इसमें I दर देते हैं कितना है, 1,710 है और P कितना है 5,700 आ जाएगा। इसके बाद और कितना बचता है आपका, टाइम रेट तो निकालना है और टाइम पीरियड टी है तो 1 ईयर हो जाएगा और अपॉन में ये 100 हो जाएगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कितना आ जाएगा ये, तो ये सारा हो जाएगा 1,710 इंटू 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे जो आएगा वो आ जाएगा 5,700। यहाँ पे 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब जो है जरा ध्यान से देखो तो 171 यानी कि 57 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 21 टू कैरी हो गया, 3 5 15 और 2 17 हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम्स, ओनली 3 टाइम्स। So R will be equal to 3 into 10 बच गया, so that is the 30% per annum जो है rate of interest हो जाएगा, so that will be your answer। चलते हैं next question की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है second question आज का, a certain sum of money is put at compound interest compounded half yearly, ये half yearly compounded होगा, if the interest of two successive half years are ₹650 एंड ₹760.50, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो काम करेगा आपका ₹650 और अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा 760.50। इंटरेस्ट फिर निकल जाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, ए माइनस पी से निकलेगा, ए कितना है आपका 760.50 और पी कितना है दैट इज द 650.00, कर दीजिए माइनस कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 0 और यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ कितना 7 में से 6 की माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो दैट मीन्स कि ये इंटरेस्ट हो गया आपका आई और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, ये हाफ ईयर हो जाएगा। सो
फॉर्मूला आपके पास प्रिंसिपल और रेट निकालने का जो है आई है, आई इज इक्वल टू होता पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। सो आई कितना है हमारे पास, आई अभी निकाला हमने 110.50, पी हमारे पास है 650, आर निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड है 1/2, तो 2 यहाँ आ जाएगा और नीचे अपॉन में 100 पहले से पड़ा हुआ है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 5 से और काट देते हैं, 5 1 = 5 एंड 5 3 = 15 और यहाँ 5 2 = 10 हो जाएगा। सो आर निकालने का प्रयास करना है, आर इक्वल टू हो जाएगा 110.50 इंटू में ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला भी 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 13 जो है वो नीचे आ जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करना है, अब यहां पर है ये कैलकुलेटर ले लिया है मैंने, तो 110.50 है इंटू 2 आएगा, फिर इंटू जो है आपका 2 आ जाएगा और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका कितना 13, तो 13 आ गया ये। सो कितना आ जाएगा ये 13% हो जाएगा ये, सो यू कैन राइट हियर 13%, सो दैट विल योर आंसर। पर एनम का होता है बच्चों पीई लिखते हैं इसको, ये बच्चों डिवाइड करने पे 34 ही आएगा, यहाँ पे 13 से डिवाइड करा था मैंने, तो ये आ जाएगा 34% पर एनम और यही आंसर होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। A certain sum amount ₹5,292 in 2 years and ₹5,556.60 in 3 years. Interest being compounded annually, find the rate of interest and the original sum. Original sum को भी find करना है। चलिए पहले प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल हमारे पास आएगा बच्चों कितना, ये आ गया 5,292, ये 2 years का है चलो, और इसके बाद जो है अमाउंट जो हुआ वो 3 years में कितना हुआ है 5, एक और 5 है 6.60। अब हमें इंटरेस्ट निकल जाएगा इससे, आई अगर निकालते हैं तो ये ए माइनस बी से निकलेगा, ए कितना है तो 5, एक और 5 है 6.60 है और इसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ 5,292.00। अब इसको माइनस कर दीजिए बच्चों, माइनस करने पे जो बचेगा यहाँ 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ 5 यानी कि 15 हो जाएगा, 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ बचा 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये क्या चीज निकल के आया, ये इंटरेस्ट निकल के आ गया है, ये 1 year का इंटरेस्ट हो जाता है। जो टाइम पीरियड लेंगे वो 1 year ही लेंगे बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पर। तो अब हमें निकालना क्या है, पहले इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा, इसमें रख देते हैं तो ये आ जाएगा 264.60 और पी हमारे पास कितना है 5,292 है और इनटू आर कितना है निकालना है, टाइम पीरियड 1 year है तो अपॉन में 100 हो जाएगा। सो आर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 264.60 और इनटू में 100 आ जाएगा और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 529। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, ये डेसिमल हटाएंगे और यहाँ पर 100 आ जाएगा, सो 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कैलकुलेट करने पर बच्चों ये 5% आ जाएगा, ये 5% परिणाम आ जाएगा और इसका। चलिए फिर आगे करना है, और ये कैसे आया बच्चों जरा देख लीजिए इसको, पहले इसको 2 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 2 = 4 हो जाएगा, 2 6 = 12 हो जाएगा, 2 4 = 8 और 2 6 = 12 हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 5% आ गया। अब क्या निकालना है हमें बच्चों, अब निकालना है जो अमाउंट लिया गया था वो ओरिजिनल सम कितना है हमारे पास, यानी जो स्टार्टिंग में लिया था और उसका जो इंटरेस्ट इतना आ गया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे।
तो वो भी निकाल लेते हैं, जो पहले ले लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, लेट द सम बी रुपीज 100। इसको 100 रुपीज ले करके हम चलेंगे। और ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल, ले लिया मैंने प्रिंसिपल, जो हो गया ₹100 ले लिया हमने। और रेट अभी निकाला था 5% आया है, टाइम पीरियड हमें 1 ही लेना है, तो इसमें इंटरेस्ट निकाल दीजिए, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चलिए पी कितना है हमारे पास, ये तो 100 हो गया, आर है 5 और टाइम पीरियड 1 है, नीचे 100 आ गया, तो ये कुल करके 5 रुपीज आ गया। तो अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 5, एंड दैट मीन्स कि 105 हो गया। फिर से हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो ये अब प्रिंसिपल का काम करेगा फॉर सेकेंड ईयर के लिए। ये तो हमने फर्स्ट ईयर लिया था, फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट आएगा रियल में, वो ए इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 105 हो जाएगा, प्लस 105 का कितने परसेंट हो जाएगा, 5% हो जाएगा, ये आ गया आपका। अब इसे कैलकुलेट करना है हमें कितना हो जाएगा, ये देखते हैं, ये हो जाएगा 105 है और प्लस का, इसको जो डिवाइड कर लीजिए, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो 5.25 हो जाएगा। यानी ये अमाउंट हो गया 110.25। ये अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट वगैरह लग करके, और थर्ड ईयर के लिए पहुंच रहा है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, इन 2 ईयर्स 5,900 नहीं 292 इन 2 ईयर्स, 2 2 साल में हो रहा है। अब यहाँ रिवर्स गियर में चलना है, मतलब ये हो जाएगा 110.25 अमाउंट है, देन पी इज इक्वल टू कितना था, 100 हो गया है। सो यहाँ पर अमाउंट अब 1 पे लेंगे, तो 1 पे कितना हो जाएगा, ये 1 पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 अपॉन कितना, 110.25। और कितने पे निकालना है, ये जो अभी निकाल के दिया हुआ है ये वाला है बच्चों, इस पे है, अब निकालना है कितने पे, 5,292 पर। तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू हो जाएगा 5,292, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 110.25। इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 4,800। सो यही आपका आंसर हो जाएगा, इतने रुपीस इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करना है बच्चों, इजीली है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, ये एक और क्वेश्चन आ रहा, नंबर 4 है, द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर ₹1,089 एंड फॉर थर्ड ईयर इट इज रुपीज कितना 1,197.90। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ मनी। यानी ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, वैसे ही करना है सेम। सबसे पहले हम लेते हैं प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 1,089, और इसके बाद अमाउंट जो लेना है वो 1,197.90 आ जाएगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट ए माइनस बी करके निकलेगा, ए कितना है 1,197.90 है, और इसका पी कितना था वो भी लिख लेते हैं, तो 1,089.00। इसको माइनस कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, और 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ बच गया 8, 8 में से 8 गया तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का 1 एस टी जाएगा, 1 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो ये आ गया इंटरेस्ट आपका, तो चलिए इंटरेस्ट आ गया है, और टाइम पीरियड यहाँ पे 1 ईयर लेना है, तो इसको अब कैलकुलेट करना है फॉर्मूले से लेकर के। आई का हमें एक ही फॉर्मूला पता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा बच्चों।
अब आई हमारे पास है 108.90 है, पी हमें निकालना है, क्या है पी पता है 1089 है यहाँ पे, और आर इस वक्त निकालना है, टाइम पीरियड 1 दिया हुआ है और ये 100 हो गया। सो आर विल बी इक्वल टू 1089 है, 0.0 है, और इनटू कितना हो जाएगा, ये ऊपर 100 आ जाएगा और नीचे में ये आ जाएगा 1089। पॉइंट हटाएंगे बच्चों और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सो जीरो विल बी कैंसल टू दिस वन और ये पूरा का पूरा इससे कैंसल आउट हो जाएगा और एक जीरो और इससे कैंसिल हो जाएगी। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10% आ गया। एक आंसर आपका आ चुका है। यहाँ पर बच्चों फिर से वही लेट करना पड़ेगा हमें करने के लिए, तो लेट कर लेते हैं। लेट पी इज इक्वल टू ₹100, 100 लेके चल रहा हूँ मैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, और टाइम मैं 1 लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से निकलता है बच्चों। ये तो वैसे डायरेक्ट निकाला जा सकता था लेकिन फिर भी लिख करके दिखाता हूँ मैं आपको, अपॉन ये 100 हो गया, 100 100 कैंसिल हो जाएगा तो आई 10 ही आएगा, वैसे इतना ही आता है टाइम। और इसके बाद जो अमाउंट निकालेंगे वो जो है ये आपका आ जाएगा 100 और प्लस 10 हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। ये क्या था, फर्स्ट ईयर था, ये तो फर्स्ट ईयर का था, फोर्थ फर्स्ट ईयर था, फोर्थ सेकंड ईयर जो है आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। सो अब जो है फोर्थ सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 110 हो जाएगा, रेट आपका 10% ही है और टाइम आपका 1 ईयर है। तो आई इजिकल टू कितना हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से निकल जाएगा, तो ये हो गया 110 इंटू आर 10%, टाइम 1 है, अपॉन 100 हो गया, तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, ये ₹11 आ जाएगा आई। ये वास्तव में सी आई आया है फोर्थ सेकेंड ईयर। तो अब यहां लिखाएंगे 11 रुपीज, ₹11 सी आई, देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 रुपीज। अब ये कितना है, 1089 पर निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1 00 अपॉन 1 1 आएगा और इनटू में 1089 आ जाएगा। अब 11 1 जा 11 11 9 जाएगा बच्चे, 11 9 जा 99, फिर 11 9 जा 99, तो ये प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 900, मतलब 9900 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ है मोहित इन्वेस्ट ₹8,000 फॉर 3 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर इट्स अमाउंट्स ₹9,440। कैलकुलेट फर्स्ट है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, सेकेंड है द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, थर्ड है द इंटरेस्ट एक्यूरेट इन द थर्ड ईयर। चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहां पर प्रिंसिपल जो गिवन है वो है 8,000 और अमाउंट जो आ गया है वो है, अमाउंट गिवन है 9440। इंटरेस्ट निकाल लें हम, इंटरेस्ट कल टू हो जाएगा कितना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट है 9440 और अमाउंट है 8,000, माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 044 और ये 1 आ जाएगा। ये इतना हो गया इंटरेस्ट हमारे पास और टाइम पीरियड हमें 1 ईयर ही दिया हुआ है, तो 1 ईयर ही लेकर के चलेंगे इसमें। चलिए कैलकुलेट करके दिखाते हैं। आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से हो जाएगा। आई हमें पता है कितना है, ये है 1440 इज इक्वल टू पी कितना है, अमाउंट 8,000 है, आर हमें निकालना है और टाइम पीरियड 1 ईयर है और यहाँ पे 100, जीरो कैंसिल विद जीरो,
ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगी इससे। सो आर विल बी इक्वल टू 1440/8 0 हो जाएगा। सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से काट लेते हैं, 2 4 जा हो जाएगा, यहाँ 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4 फिर से 2 2 जा 4 और यहाँ 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 और ये आपका कट के कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। दैट मीन्स कितना हो गया, 18% पर एनम आ गया। अब ले रहे हैं फोर्थ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए लेते हैं तो प्रिंसिपल आपका काम करेगा 9440, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 18% है और टाइम पीरियड आपका 1 ईयर ही ले रहे हैं तो इंटरेस्ट निकाल देते हैं। इंटरेस्ट हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से निकलेगा तो पी कितना हो गया 9440, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 हो गया, टाइम पीरियड 1 हो गया और अपॉन में 100 हो जाएगा। सो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये रहेगा 1699.20, ये इंटरेस्ट हो गया है लेकिन हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, ये है आपका 9440.0 ले लीजिए और एक और 0 ले लीजिए। अब यहां पर कितना ऐड करना है, 1699.20 ऐड कर दीजिए इसमें तो ये अमाउंट निकल जाएगा। तो 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ पर 9 9 एंड 4 13 और यहाँ 4 5 हो जाएगा तो यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ पे 9 10 एंड 11 हो जाएगा ये। सो ये अमाउंट इतना हो जाएगा फोर्थ थर्ड ईयर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बच्चों अभी सेकेंड ईयर के लिए था, थर्ड ईयर की तो बात ही नहीं हो पाई थी हमारी, इसलिए ध्यान रखना इसको, ये सेकेंड ईयर की ही बात कर रहा है केवल। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, फोर्थ थर्ड ईयर यहां लिखेंगे हम लोग, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 1113.90 हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 18% हो जाएगा और टाइम पीरियड आपका 1 लिया जाएगा। सो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चलिए कर लेते हैं, पी कितना बार पास हो गया, 1113.90 और आर 18% है, टाइम पीरियड 1 है और अपॉन 100 हो गया है। इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है बच्चों, ये जो आ जाएगा 2005.056 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आ रहा एक और क्वेश्चन है 6 नंबर का। गीता बोरोड रुपीज 15,000 फॉर 18 मंथ एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। If at the end of 6 months its amount is ₹15,600, calculate first है the rate of interest per annum और second है the total amount of money Gita that Gita must pay at the end of 18 month in order to clear the account। चलिए देखते हैं कैसे होना है। तो सबसे पहले है इतने रुपए लिए थे इसने, तो पी दिया हुआ है हमारे पास 15,000 18 मंथ के लिए लिया है और इसमें सेमी चल रहा है एनुअली। और अमाउंट जो दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए वो है 15,600 हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे अभी इसी से ही, तो पहले आई निकाल लें, आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 15,600 और माइनस करेंगे 15,000 इसमें से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 600 रुपीज आ जाएगा, ये इंटरेस्ट आ गया है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, ये निकालना है, पी मिल गया है और निकालना है टाइम पीरियड हमें पता है,
तो लगाते हैं फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो चलते हैं, टाइम पीरियड ध्यान रखना है, इसमें हाफ मंथ की बात कर रहा है, 6 मंथ की बात कर रहा है, तो टाइम हमेशा जरूर 1/2 ईयर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं, तो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारे पास, ये 15,000 हो गया है, आर निकालना है और टाइम पीरियड है 1/2, 1/2, तो ये 1/2 कर दीजिए, और नीचे यहाँ पे 100 है ये है पड़ा हुआ, और आई जो आया था वो 600 आ गया था, तो यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम आर निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मैं आर निकाल के दिखा रहा हूँ बच्चों, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 तो यही है इंटू टू ऊपर पहुंच जाएगा और 150 नीचे आ जाएगा, तो 0 कैंसिल विद 0 और 15 4 जा ये हो जाएगा, और आर इज इक्वल टू हो जाएगा 8% पर एनम। तो ये आपका एक आंसर आ चुका है, इट इज योर फर्स्ट आंसर, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब ये क्या करें, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट गीता मस्ट पे एट द एंड ऑफ 18 मंथ, मतलब कि 3 स्टेप्स में जाना है, 6 6 मंथ का, तो इसने फर्स्ट का दे दिया है, अब आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, तो ये तो अब चलते हैं 4 सेकेंड ईयर। फोर्थ सेकेंड ईयर की बात कर लें हम, सेकेंड 6 मंथ की बात करना है। अब देखो क्या होता है इसमें, तो जो इसमें है ये जो अमाउंट था ये प्रिंसिपल का काम करेगा, सो पी विल बी इक्वल टू 1/5600 हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया ही है, आर इज इक्वल टू 8% है, और टाइम जो है आपका 1/2 ईयर हो जाएगा। सो आई निकाल रहे, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, पी कितना है 1/5600 है, आर कितना है 8% है, और टाइम पीरियड 1/2 लिया जाएगा, और नीचे 100 अपनी जगह है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 to 4 रुपीज, ये आई आ गया इसका। अब इससे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालने के लिए पी प्लस आई करेंगे, तो पी कितना है हमारे पास, पी आ गया है 1/5600 है, इसमें 6 to 4 और ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, ये आ गया आपका, ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट नेक्स्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए फिर से प्रिंसिपल का काम करेगा। अब ये क्या कह रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी गीता मस्ट पेड एट द एंड ऑफ 18 मंथ, अभी हमें एक और 6 मंथ के लिए काम करना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/3 6 मंथ, तो यहाँ पे देख लीजिए जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया है, वो आपका आ जाएगा 1/6224 हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा, और टाइम पीरियड विल बी 1/2 ईयर ले लेंगे इसमें भी। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं जरा इसमें क्या आता है आगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ फिर से इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा, तो बच्चों पी कितना है 1/6224 इंटू आर है 8%, टाइम पीरियड है 1/2, तो यहाँ 2 लिखेंगे और नीचे ये 100 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड डिवाइड करना है, 2 से कर देते हैं इसको, तो 2 कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, और ये 8 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखना है कितना आता है देखते हैं जरा, ये आई आ जाएगा 648.90। अब अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा, पी प्लस आई से निकलेगा, पी कितना है 1/6224, इसमें ऐड क्या करना है, 0.00 कर दें, तो 0.96 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ बचा 8 4 और ये 6, इसको ऐड कर लेते हैं बच्चों, ऐड ही करना है इसको,
तो ये आ जाएगा 6 9, और ये पॉइंट हो जाएगा 8 और 4 12 हो जाएगा, और 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ 6 और 2 8 हो गया, और यहाँ पे 6 है और ये 1 है, और ये अमाउंट आपका लास्ट में इतना ही पे हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। तो इसे कर सकते हैं इजिली। रमेश इन्वेस्ट ₹12,800 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। फाइंड फर्स्ट है द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सेकेंड है द इंटरेस्ट ही अर्न फॉर सेकेंड ईयर। थर्ड है द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। चलो देखते हैं बच्चों। तो पहले फर्स्ट ईयर क्वेश्चन के अटेम्प्ट को चलते हैं। तो पी हमें कितना गिवन है, ये है 12,800, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10% गिवन है, और टाइम पीरियड यहाँ पे हमें 1 ईयर लेना है। सो आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो 12800, और ये 10% है, टाइम 1 ले रहे हैं, और नीचे 100 हो जाएगा। सो 0 कैंसिल विद 0, और एक और 0 कैंसिल हो गई, तो ये इंटरेस्ट आ गया 1280। ये इंटरेस्ट आया है तो अब इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें ऐड करेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है। सो पी कितना है 12800 है। इसमें कितना ऐड करना है, 0 8 और 2 और यहाँ पे 1, यानी कि 1280 इसमें ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 भी तो हो जाएगा बच्चों, और ये 1 का 1 ही रह जाएगा। सो ये अमाउंट आ गया है। अब क्या करना है बच्चों, फोर सेकेंड ईयर। तो ये क्या कहा, फर्स्ट हो गया रमेश एट द एंड ऑफ द, हाँ द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एक आंसर आपका आ चुका है, ये यही आएगा 14080 रुपीज। एक आंसर है आपका, अमाउंट आ गया। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में जो मिल रहा है इनको। द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ द फर्स्ट एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इतना मिल जाएगा उसको। चलिए अब इंटरेस्ट ही अर्न फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है। चलिए देखते हैं बच्चों। अब फोर सेकेंड ईयर लिख दीजिए यहाँ पे, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14080, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों 10% ही है, टाइम पीरियड आपका 1 ईयर ही दिया जाएगा। फिर इंटरेस्ट की बात कर दीजिए तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पी है 14080 है, आर 10% है, टाइम पीरियड 1 ईयर है, आर अपॉन 100 हो जाएगा, 0 कैंसिल विद 0, ये 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा 1408 रुपीज। ये इंटरेस्ट हो जाएगा। ये जो है इंटरेस्ट ही अर्न फॉर सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर का इतना इंटरेस्ट अर्न करेगा ये। तो ये भी एक आंसर हो गया बच्चों। तो अब आगे लेते हैं अमाउंट, इसका निकाल लेते हैं। अमाउंट में क्या आ जाएगा, पी प्लस आई से निकलेगा, तो पी कितना हमारे पास हो जाएगा 14080, और ये है 1408। ऐड कर लेते हैं कितना हो जाएगा, इसको देखते हैं, ये आ जाएगा 15488 रुपीज। ये जो आ गया अमाउंट किसके लिए हो गया है, ये कह रहा है इंटरेस्ट फॉर रेट हो गया। हाँ अभी आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है आपका, अभी थर्ड ईयर में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना है, फोर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया 15488 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, और टाइम पीरियड 1 हो जाएगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पेज पे जरा, और इसी को कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए निकालना है बच्चों। आई के लिए मैंने फार्मूला भी बताया था, वही है। तो 15488 और इंटू 10 हो जाएगा, टाइम पीरियड 1 है, और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। सो 0 कैंसिल विद 0, ये आ जाएगा 15488.80। ये इंटरेस्ट आ गया, तो अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट हो जाएगा पी प्लस आई से, पी कितना है हमारे पास 15488 है, इसमें ऐड करना है 15488.80। जरा ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है।
ये हो जाएगा 170,36.80, अमाउंट हो जाएगा ये थर्ड ईयर में, और ये भी आपका लास्ट वाला आंसर है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं फिर से, तब तक नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जोर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदित्य प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।